इस बीच एक और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 11 नवंबर को फिल्म फेस्टिवल का आगाज होने वाला है। जी हां, 3 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज होने वाला है, 7वें संस्करण का आगाज होगा। वहीं सीएम धामी इस फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे, 13 नवंबर को इसका समापन किया जाएगा। बताने के अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक इस फेस्टिवल में शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 11 नवंबर को फिल्म फेस्टिवल का आगाज होने वाला है। 3 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये आगाज होगा, वहीं 7वें संस्करण का फिल्म फेस्टिवल का आगाज रहेगा ये, जिसे सीएम धामी इस फेस्टिवल का उद्घाटन करने वाले हैं। 13 नवंबर को फिल्म फेस्टिवल का समापन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता, माफ कीजिएगा, ब्यूरो चीफ देहरादून से अवनीश गुप्ता जुड़ गए हैं। अवनीश जी, फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है, इसको लेकर क्या कुछ तमाम जानकारी आपके पास है? देखिए, जिसकी अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में यहाँ पर जो है फिल्म निर्देशक निर्माता थे, वो काफी बार यहाँ पे कह भी चुके थे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी संभावनाएं हैं, मौसम अच्छा रहता है, पहाड़ी इलाका है और जो दृश्य होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। पहले यहाँ पे फिल्म नीति भी बनाई गई है, फिल्म बोर्ड भी बना दिया गया है। इसको लेके बाकायदा जिस तरीके से देखा जाए, तो यहाँ पर जो फिल्म फेस्टिवल है उसका आगाज यहाँ पे 3 दिवसीय जो है होने जा रहा है, और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो बाकायदा इसका उद्घाटन करेंगे, और इसका जो समापन होगा वो 13 तारीख को होगा। फिल्म फेस्टिवल में जो देश विदेश के काफी निर्माता निर्देशक जितने हैं वो यहाँ पर आएंगे, और इसमें जो शिरकत करने के लिए जो महाभारत की जो कलाकार थे, जो जिन्होंने जो है यहाँ पर द्रौपदी की भूमिका निभाई थी, सीता की भूमिका निभाई थी राम और रामायण, ये तमाम लोग, राजकरण और निर्माता निर्देशक तमाम लोग जो है यहाँ पर जो है शिरकत करेंगे, और ये 3 दिन जो है ये फिल्म फेस्टिवल चलेगा। जी अवनीश जी, इसमें क्या समय क्या रहेगा, 11 नवंबर को जो ये आगाज होने वाला है फिल्म फेस्टिवल का, इसका समय अवधि क्या है? देखिए दीपिका, यहाँ पर जो है ये जो समय रहता है ज्यादातर जो है ये शाम को 5 बजे से शुरू हो जाता है और देर रात तक चलता है, और ये लगातार 3 दिन तक चलता है। इसमें तमाम लोग आते हैं और देहरादून के जो है यहाँ पर जो है लोग शिरकत करते हैं, फिल्में देखने आते हैं, जगह जगह जो यहाँ की जो फिल्में होती है लोकल फिल्में उनको भी यहाँ पे जो है फिल्म सिटी में दिखाया जाता है, और जितने भी निर्माता निर्देशक आते हैं उनसे बाकायदा जो है ये यहाँ पे समीक्षा की जाती है कि किस तरीके की यहाँ पे संभावनाएं हैं, क्या फिल्म बन सकती है, क्या क्या होती है, ये तमाम चीजों को लेके यहाँ पर जो है इसका जो उद्देश्य होता है यही रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं लगातार, जहां 11 नवंबर को फिल्म फेस्टिवल का आगाज होने वाला है। 3 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यह आगाज होगा, 7वें संस्करण का आगाज होना है। वहीं सीएम धामी इस फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे, 13 नवंबर को ये फिल्म फेस्टिवल का समापन किया जाएगा। और आपको इसी के साथ अधिक जानकारी बता दें कि इस फेस्टिवल में अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक शामिल होने वाले हैं। सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स में इसका आयोजन होगा। वहीं मधुर भंडारकर, रोहित बोस रॉय, शाहिद माल्या, एहसान कुरैशी, रूपा गांगुली, दीपिका चिखलिया, पितोबाश करके कई कलाकार इस फेस्टिवल में मौजूद होंगे। वहीं राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा।